हमेशा की तरह मैं यहाँ रुकता ही हूँ, तो अब इसका चार्ज करने का जुगाड़ हो चुका है। वेलकम टू व्लॉग। हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा अचानक से अभी गांव जाना हो रहा है, तो फिर अभी काफ़ी लंबा रास्ता होने वाला है। वैसे मैं अकेले हूँ, तो अभी एकदम जल्दी फल्दी में अपना एक्शन कैमरा भी चार्ज नहीं कर पाया, तो फोन से आज ब्लॉग करना पड़ेगा। मैं कुछ शॉट्स वगैरह इसमें से ले लूँगा, तो अभी पेट्रोल वगैरह डाल लिया हूँ, देख सकते हैं आप, मैं पेट्रोल पंप हूँ अभी। तो अभी चलते हैं, वैसे काफ़ी ठंडी है इधर, और इससे भी कई गुना ज़्यादा तो अपने जसपुर साइड ठंडी है। तो फिर तो पहले अपन ट्रिप सेट कर लेते हैं, इसमें पेट्रोल वगैरह डाल लिए हैं। अच्छा, पहले ट्रिप सेट कर लिया अपने रूम से ही, मैं भूल गया था। तो अभी 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका हूँ मैं, और मेरे को शाम होने से पहले पहुँचना है क्योंकि काफ़ी ठंडी होने वाला है। तो चलते हैं, अभी जितना जल्दी हो सके निकलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगा। हो रहा सीपत, आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्या हो रहा है, मीटिंग? तो देख सकते हो कोरबा, अभी कोरबा 53 किलोमीटर, उर्गा 36 किलोमीटर बाकी है। तो अभी फिलहाल मैं बालावद में हूँ। अमर बलौदा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इधर पहले जंगल हुआ करता था, अब सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इतना सारा पेड़ कट गया, पहले पूरा घना घना था, अब देखते हैं। ये पूरा हफ्ते वाला एरिया है कोरबा, पूरा खत्म होने का है। जिस तरह से दिनों दिन पेड़ कटते जा रहा है, ऐसा लग रहा है अब गर्मी एकदम भयानक वाला होने वाला है। और ठंडी जिस तरह से अचानक से बढ़ा है, इसी तरह से गर्मी भी अचानक बढ़ने वाला है। पूरा क्लाइमेट चेंज है गाइस। तो ये देख सकते हो, पूरा रोड किनारे किनारे पूरा साफ हो गया है, सभी पेड़ को काट दिए हैं किनारे किनारे का जितना भी था। ये जो आप सामने देख रहे हो बैरियर, यहाँ आसपास में भी मस्त घना वाला पेड़ हुआ करता था, पर वो भी कट चुका है। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हसदेव नदी, आप देख सकते हैं वो है छोटा डैम, और जगह जगह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल ही धूल। यहाँ से उर्गा 5 किलोमीटर बाकी है, तो आप देख सकते हैं इधर का हालत क्या है, पूरा धूल धूल है सब जगह। ये तो कोहरा हो ही नहीं सकता, वो वाला तो पूरा धूल ही धूल, देख सकते हो उधर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं उर्गा, और आप देख सकते हो अभी जो रेलवे ओवरब्रिज बनने वाला था, मतलब ये काफ़ी प्रोग्रेस में है, ये देख सकते हो यहां तक पहुंच गया, ये वाला पिलर खड़ा हो गया है, और ये वाला रोड बनने वाला है, ओवरब्रिज है ये। तो देखते हैं कब तक बन जाता है, फिलहाल तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है ऐसा लग रहा है। इसके बाद शायद इस सिग्नल पर हम लोग रुकने का नौबत ना बढ़े। इधर भी फिर से बनना स्टार्ट हो गया, ग्राउंड हो गया। पूरा इधर रोड बन रहा है, जगह जगह पुल बन रहा है भाई, बस बाइक का जाने का रास्ता है। आ जाओ भाई, लोग वो लोग डर रहे हैं शायद, पता नहीं, देखते हैं पहले बाइक पार होगा कि नहीं होगा, नहीं तो कुछ ज्यादा दिक्कत है। तो हो जाएगा लग रहा है, कहां से जाते हैं यार। कैमरा चालू है कि नहीं, ये तो मूवमेंट कह दो। हमको का पता भैया, ग्राउंड क्लियरेंस गया मेरे बाइक का।
क्या कर लिया अपन ना भाई, तबाही है भाई। ए भाई एक और खतरनाक वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रास्ता है। इधर भी गया भैया, भाई साहब रोड भारी खतरनाक यार। अब तो ये हाथी से भी खतरनाक वाला सीन रह गया है, धर्म जगड़ में बस आ रहे हैं। 2000 years later. ट्रेन कैच तो नहीं हो पाया, कल आते हैं अब टाइम मिल जाए तो। हाँ इसका मैकेनिक भी नहीं मिलता यार, बड़ा दिक्कत है। वापस चलते हैं घर। मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। लग रहा है पूरा अकड़ गया है भाई बॉडी। अभी तक खाने को मिलेंगे रे।